निरातम बोलो सत्य नरवान की जय। ओम नमो ते वासुदेवाय नमः। बोलो प्रभु माता पिता की जय। अंत काल के आ जाने पर पुरुष बहे छोड़ कर आन शक्ति रूपी शास्त्र से दिहे गृहे दीन ऋष का महत्व को काट डाले। और वह धीर पुरुष घर से निकल कर विवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके अपवित्र एकांत देश में विवित आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवृत्त ब्रह्म अक्षर अर्थात ओंकार का मन लगाए। जब इंसान मन एकांत करता अपने मन च भगवान ध्यान करना और एक ही अक्षर का नाम ना इस ओम च तीन देवता आते हैं और तीन ही नाम गुणते हैं और मन की शांति मिलती है। इंसान जो तो कोई भी मंत्र बोलता ओम का ही पहले ओम ही है सबसे उच्चाई का ओम ही शांति का। ओम के बिना कोई अक्षर नहीं है कोई मूल नहीं है ओम ही हर मंत्र का मूल है। और जो इंसान ओम जपता इतना आवाज आती है और हर मन की शांति मिलती है। अंत समय जिसे नित आने लगता तभी आदमी ओम बोले तभी उसे शांति मिलती है। और मन एकांत के बुद्धि रूपी साथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विश्व से निगृहित कर ले। मन अपने कंट्रोल कर लो मन एकांत कर लो और अपने कर्म दुनिया नू कंट्रोल कर लो। जितनिया कर्म इंद्रिया ने काबू हुई कुछ करेगा कर्मों के द्वारा ही अक्षत मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात परम ब्रह्मा के चिंतन में लगा दे। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ मैं ही दा हूँ मैं भगवान हूँ पर रूपी ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसे समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्फल परमात्मा में लगा दे। आत्मा शुद्ध करने से ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। मेरा स्मरण कर मनुष्य देह त्याग कर इस संसार से डर जाता है पर गति प्राप्त करता है। मान और मोह से रहित जो आदमी मोह और मान से रहित अच्छा बुरा मेरा तेरा छोड़ेगा भगवान का फल पाएगा। जो उत्पन्न हुआ एक दिन उसने मरना ही मरना है जो दिन है तो रात हुई ही हुई है। दोषों को जीता हर दोषों को असी जीत लेते हैं। नित्य अध्यात्म चिंत करने से सही प्रकार की कामना निवृत्त प्राप्त करने वाला सुख दुख द्वंद से मुक्त ज्ञानी पुरुष स्वाहत अवशी नाशी पर पद को प्राप्त करता है। जो कोरोड प्राग्यव धारण करने वाले को चला जाता है मुझे तो वापस आता नहीं है। इनके बारे जितना भी कहा गया बहुत थोड़ा है। अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हमने बचपन से लेकर एंड तक जो भी कर्म किया वो ब्रह्म योगी है। पूजनीय श्रीमती कैलाशवंती शर्मा जी का जन्म जिला गुजरात संस्थान 1986 में हुआ। उनके पिताजी गुजरात में कपड़ों के बहुत बड़ा व्यापार करते थे। घर में खुशहाली होने से उनका बचपन बड़े अच्छे से व्यावीत हुआ। माताजी के तीन बहनें और दो भाई थे जिनमें माताजी सबसे छोटे थे। माताजी बचपन से ही के सिर पर दुख का भार गिर पड़ा और उनके पति जी निधन के उपरांत बच्चों का पालन पोषण
उन्हें बड़े अच्छी तरह जिम्मेवारी निभाई और बड़े प्यार से किया, निष्ठा भाव से किया। माता जी के प्रश्न और तपस्या के फलरूप उनके बेटों ने आज जीवन में अच्छा कर रहे हैं। सभी विवाहित हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं। थे और जहाँ शिक्षित थे उनके एक पुत्र और एक पुत्री की विवाहित हो हैं। माता जी ने भारतवर्ष में लगभग सभी तीर्थ यात्रा और सभी कर्म किए, बड़े उत्साह से बताए हैं। माता जी बहुत ही दृढ़ निश्चय, अस्वच्छ संत प्रोकारी और नित्य नियोजन करने वाली रूपी थी। उन्होंने पूरे परिवार को इस तरह एकजुट रखा था जैसे अंगूठ होती है हमारी। व्यास काल भी आज भी सभी बहुत स्नेही और प्यार हैं। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा जाग के लिए रहेगा और प्रेरणा कर स्रोत का रहेगा। हमारी भगवान से यही विनती है, प्रार्थना है, उनको हमेशा व्याकुण धाम प्राप्त हुई। बोल सकते ना भगवान की जय। जप करना और माता जी आत्मा की शांति से बड़े प्यार हैं और बड़े ¡Gracias!
ਚੜ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਓਮ ਨਮੋ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੇ ਛੋੜ ਕਰ ਆ ਸਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਦਿਹੇ ਗਿਰਹੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ ਕਾ ਮਹੱਤਵ ਕੋ ਕਾਟ ਡਾਲੇ ਔਰ ਵਹ ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਕੇ ਜਲ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲ ਏਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵਿਤ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮ ਤ੍ਰਿਵ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਓਂਕਾਰ ਕਾ ਮਨ ਲਗਾਏ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਏਕਾਂਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਭਗਵਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਸ ਓਮ ਚ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦਾ ਓਮ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਓਮ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਓਮ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਓਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਮ ਹੀ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਓਮ ਜਪਦਾ ਕਿਤਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਓਮ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਏਕਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਸਾਥੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲਗਾਮ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ ਸੇ ਨਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਖਿਅਤ ਮਨ ਕੋ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਸ਼ੁਭ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਚਿੰਤ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹੂੰ ਪਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ ਐਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਗਾ ਦੇ। ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਸੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਰਨ ਕਰ ਮਨੁਸ਼ ਦੇਹੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਡਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਔਰ ਮੋਹ ਸੇ ਰਹਿਤ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਨ ਸੇ ਰਹਿਤ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋੜੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਤੋ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੋਂ ਕੋ ਜੀਤਾ ਹਰ ਦੋਸ਼ੋਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜੀਤ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਅਧਿਆਤਮ ਚਿੰਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਿਵ੍ਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੁੰਦ ਸੇ ਮੁਕਤ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਸਵਾਹਤ ਆਪਸੀ ਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮ ਪਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਖਿਅਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਸੁਣ ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਪਾਪੋਂ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਮਤੀ ਕਰਮ ਪਿਤਰੋਂ ਕੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਥਾ ਇਸ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਵਾਸ਼ਿਤ ਫਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਅਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਾ ਜੇ ਵੈਦਿਕ ਦੇਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਉਸਕਾ ਜਲ ਸੁਧਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਪਰ ਗਰਡ ਪਾਉਣ ਰਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਦੇਹ ਕਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਔਰ ਪਿਤਰੇ ਗਣ
उस घर को देखते नहीं है, देवता भी और पितरी गण भी उस घर नू देखते नहीं। यह कृपा दृष्टि उन पर रहती है जो अच्छे कर्म करते हैं। कोप से पुत्र पोत्रा की दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इतर जनों को भी चंडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्य प्रत प्रेत कल्प को सुनता या सुनाता है दोनों ही पापों से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो इंसान माता पिता पर मरने पर गर्भपान खाता या सुनता उसे माता पिता की आत्मा की शांति मिलती है और स्वर्ग जिंदे न। माता और पिता के मरने पर जो पुत्र गर्भपान सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है, पुत्र को संतान मिलती है और घर में सुख शांति मिलती है। माता पिता की मृत्यु होने के अंतर गर्भपान का श्रवण नहीं किया गया, गया श्राव नहीं किया और क्रियाकर्म नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, ऐसे पुत्र को धिक्कार है, उसका ऋण कैसे उतरेगा। और पितृ ऋण मातृ ऋण जो इंसान जन्म लेता उस स्थिति होते हैं मातृ ऋण और पितृ ऋण। जो माता पिता के मरने पर हर क्रियाकर्म करता और माता पिता के ऋण से मुक्त होता। अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्ट देने वाला सब विधि दुख का नाश करने वाला गरुड़ प्राण को चेत सुनना चाहिए। ये गरुड़ प्राण पुण्य पद पवित्र अपाप नाशिक है, सुनने वाले की कामना को पूर्ण करने वाला है, अंत सदा इसे सुनना चाहिए। इस प्राण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय कीर्ति प्राप्त करते हैं, वैश्य धनवान होते हैं। और इस गरुड़ प्राण को सुनकर सुनने वाले आचार्य को सयादान भी स्वर्ग दान भी देते हैं। वस्त्र पान की विष्णु चक्रे त्रेता निद्रं स्मृत्यहं पुरी स्वाहा। ओम नमो वासुदेवाय नमः। बोलो सत्य नारायण की जय। एक कुर्ट लिया।
शोक भीनाश कम नामावि विघ्नेश पादे पतिमनेश नमः कांग्रेशम तरे शिते चार भगवान ओम बना दियो ओम कारायन पाद अर्गम अच्छम स्नानम गंधमाक्षत पुष्प धूप दीप निधम महा क्या करना ओम कारा बिंदु सीतम नीतम जो विर कांदम अक्षदम ओम काराय नमस्कार शिते चार भगवान माता लक्ष्मी लक्ष्मी माताय पाद अर्घ्यम अच्छम स्नानम गंधमाक्षत पुष्प धूप दीप निवेशनम महा क्या करना ओम श्री चते लक्ष्मी चित्रानि भूरात्रिर्वचनाभ्यातम कानम संकानम कुकानम लक्ष्मी माताय नमस्कार शिते चार भगवान ब्रह्मणि नमः पाद अर्घ्यम अच्छम स्नानम गंधमाक्षत पुष्प धूप दीप निवेशनम महा क्या करना ओ ब्रह्मणि ज्ञानानं तत्थं पुसतोस्मिता सुरुचो भीनम आवानं सस्तमिष्ट जूर्ण स्तमम्री नमस्कार अनुकरना चित्र भगवान विष्णु ने ओ विष्णु आय नमः पादं अर्घ्यमच्छम स्नान समर्पण महा गंधवाक्षत पुष्प धूप दीप निवेशन महा क्या करना भगवान विष्णु ओम इतं विष्णु चक्रे त्रेतालिदं मट्य जपं सुरे स्वाहा ओम नोते वासुदेवाय नमस्कार चाष्टे भोलेनाथ्यो भोलेनाथ शंकराय नम पादं अर्घ्यमच्छम स्नानम गंधमाक्षत पुष्प धूप धम्मा क्या करना नमः शिवाय च शिवत्राय च शंकराय नमस्कार शिवते अपने माता जी अमा हाँ जी ऊंचा सारे ना टिक्का लाना माता जी इस सॉन्ग में सारे ना है टिक्का लाना गंधम द्वारा दुष्पूतानां त्र्यंबकंधनं महोदय संसार च हर चीज मिलेगी मातान मिलती जो संसार चलेगा उसके माता नहीं संसार मिलती हर चीज मिलेगी मां प्यो कह चलिया ना मां प्यो की सेवा बड़े कर्म वालों को मिलती है जो चला जाता है मुड़के तो वापस आता नहीं है इनके बारे जितना भी कहा गया बहुत थोड़ा है अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए इन्होंने बचपन से लेकर अंत तक जो भी कर्म किया वो ब्रह्म योगी है पूजनीय श्रीमती कैलाशवंती शर्मा जी का जन्म जिला गुजरात संस्थान 1986 में हुआ उनके पिताजी गुजरात में कपड़ों के बहुत बड़ा व्यापार करते थे घर में खुशहाली होने से उनका बचपन बड़े अच्छे से व्यवहित हुआ माता जी के तीन बहनें और दो भाई थे जिनमें माता जी सबसे छोटे थे माता जी बचपन से ही बहुत आशा बात पूर्णाशीदा बात कोई बीवा का बात कोई किस बात हर बात में रामायण गीता का पाठ करना नित्य नियम पूरे करने माता जी का विवाह सन 1953 में हुआ श्रीमान विश्वामित्र जी के साथ हुआ माता जी ने अपने ससुराल में सभी बुजुर्गों और बड़ों छोटों का सत्कार और सेवा देखभाल अच्छी तरह की उनके चार पुत्र परंतु दुर्भाग्यवश 1974 में श्रीमान जी विश्वामित्र का निधन हो गया उनके सिर पर दुख का भार गिर पड़ा और उनके पति जी निधन के उपरांत बच्चों का पालन पोषण
ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਭਾਵ ਸੇ ਕਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਮ ਔਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੇ ਫਲ ਰੂਪ ਉਨਕੇ ਬੇਟੋ ਨੇ ਆਜ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭੀ ਵਿਆਹਿਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਤ ਥੇ ਉਨਕੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਕੀ ਵਿਆਹਿਤ ਹੋ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਭੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਔਰ ਸਭੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉਤਸਾਹ ਸੇ ਬਤਾਏ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਸਵੱਛ ਸੰਤ ਪ੍ਰੋਕਾਰੀ ਔਰ ਨਿੱਤ ਨਿਯਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਾ ਥਾ ਜੈਸੇ ਅੰਗੂਠ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ। ਵਿਆਸ ਕਾਲ ਵੀ ਆਜ ਵੀ ਸਭੀ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਨਕਾ ਜੀਵਨ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਸਰੋਤਰ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਮਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਨਾਨਕ ਮਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਮਨ ਸੇ ਬਸ ਦੀਪਨੀ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ
गेस्ट Thank you.